प्रबंध है। बॉस ने आओ। रेड गन का प्रबंध है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बॉस ने आओ। संजो साहब प्रबंधक। बॉस ने आओ। संजो साहब प्रबंधक। बॉस ने आओ। मेरा नाम राजन प्रताप सिंह है। मैं जिला स्वास्थ्य योजक रेणुकूट। पूर्व में कुछ दिन पहले एनटीपीसी परिसर में संत जोसेफ स्कूल का कुछ अभिभावक हमारे यहाँ आए और उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों को बैठा कर राष्ट्रगान करवाएगा। जब हमारे बच्चे उठने का प्रयास किए तो वो डांट के उनको बैठा के जबरन राष्ट्रगान करवाने पर मजबूर किया बैठा के। ये संज्ञान जब मेरे मामले में आया तो मैं संत जोसेफ विद्यालय के पास अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचा मामले की जानकारी लेने के लिए। और भी वहाँ कुछ अभिभावक द्वारा उससे मैंने पूछा कि ऐसा ऐसा मामला है, क्या बच्चों को राष्ट्रगान बैठा के किया गया है, आपके बच्चों ने आपको सूचना दिया है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे बच्चे बता रहे थे कि बैठा कर राष्ट्रगान किया है, हम लोग नहीं करना चाह रहे थे, उठ के उठने का प्रयास किया तो उन्होंने जबरन बैठा किया टाट के। तो ये संज्ञान होते ही हमने थाना शक्तिनगर को ज्ञापन सौंपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ और जांच में थाना शक्तिनगर ये पाया कि मेरे द्वारा जो दिया गया है पत्र, शिकायत पत्र संत जोसेफ स्कूल पर, वो सत्य पाया कि बैठा कर राष्ट्रगान किया गया, राष्ट्रगान अपमान हुआ है बैठा कर। तो पुलिस की तरफ से इस क्या कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा ये कार्रवाई किया गया कि उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, उनके प्रबंधन, पूरे स्कूल के प्रबंधन पर, अध्यापकों पर। और मैं आप पत्रकारों एवं आपके समाचार पत्रों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर देश हित में, राष्ट्र हित या फिर राष्ट्रगान अपमान और देशद्रोह जैसे बातों का जो समर्थन करेगा, और ऐसे आगे आने वाले समय में भी अगर किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रगान या देश के प्रति कोई भी विरोध होता है तो उसकी जगह सिर्फ जेल है और उस जेल में ही जाना है उनको। ये शक्तिनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा शक्तिनगर स्थित एक विद्यालय के अध्यापक के विरुद्ध राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। उसमें आरोप है कि राष्ट्रगान के समय बच्चों को बैठा के रखा गया था। FIR दर्ज कर ली गई है और इसकी विवेचना की जा रही है। हम लोग संगत साक्ष की तलाश कर रहे हैं।